हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग में, जहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको इस टाइप के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या है आज का कुछ खास अपडेट, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इस पेंडेमिक के समय में जो है कि फ्लिपकार्ट ने मेरू कैब्स नाम के एक सर्विस प्रोवाइडर से, जो कैब सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ टाई अप किया है। जी हाँ, टाई अप किया है उसने इसेंशियल आइटम्स की होम डिलीवरी के लिए। जी हाँ, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी इसेंशियल आइटम की होम डिलीवरी या शॉपिंग करते हो, होम डिलीवरी के लिए बुक करते हो, तो उसकी होम डिलीवरी अब आपको मेरू कैब्स द्वारा दी जाएगी। तो अभी ये कुछ खास स्टेट्स पे ही अवेलेबल है जहाँ पे मेरू कैब अवेलेबल है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया आपका, दिल्ली NCR हो गया आपका, हैदराबाद वगैरह हो गया, इन सारे जगहों पर जहाँ पे मेरू कैब्स है वहाँ पे फ्लिपकार्ट ने उनके साथ टाइप किया है और आपको आपकी इसेंशियल आइटम आपके घर तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ने जो है कि एक दूसरे के साथ टाई अप किया था। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो आपका उबर है उसके साथ अमेजन ने टाई अप किया था, उसके साथ फ्लिपकार्ट ने भी टाई अप किया था। तो इस टाइप की न्यूज़ आ रही है, क्योंकि इस समय दोस्तों क्या है कि कैब सर्विसेज जो है उनके ड्राइवर्स भी खाली बैठे हैं, तो उनको भी उनके रोजगार के लिए भी दिक्कत है। तो इस टाइप का अगर टाई अप होंगे तो एक तरफ कैब ड्राइवर्स को रोजगार भी मिलेगा और दूसरी तरफ आपको आपके इसेंशियल आइटम की होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टेप है, अप्रिशिएट देम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट की जो निकल के आ रहा है MH Fit की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, MH Fit ने अपना एक नया स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है उसने Huami MH Fit X स्मार्ट वॉच विथ कर्व डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो 2.07 का AMOLED डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कराता है इस स्मार्ट वॉच में। जिसकी फीचर की बात करूँ तो एक खास फीचर है दोस्तों इसके साथ, जो है कि आपके ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है ये उसको मेजर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि इसकी प्राइजिंग की, तो आपको 11,300 रुपये से इसकी प्राइजिंग स्टार्ट है और 13,500 रुपये तक की इसकी प्राइजिंग, मतलब जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है वो 13,500 का है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप देख ले, जब आप इसको यूज करोगे जिम पर्पज या कहीं भी, तो आपको वाटर रेजिस्टेंस का रेटिंग की भी जानने की जरूरत है। तो आपको बताता हूँ 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग इसको प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों, 200 mAh की बैटरी है जो आपको 7 days का बैकअप देगा एक सिंगल चार्ज पे। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों MH Fit की तरफ से ये आया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाइए, और जब ये ऑनलाइन आता है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट की जो निकल के आ रहा है Xiaomi की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल के आया है कि एक किसी वेबसाइट पे स्पॉट किया गया कि Xiaomi बहुत जल्द अपना एक 65 inch का OLED टीवी जो है, वो स्मार्ट टीवी जो है, वो मार्केट में ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं Xiaomi के टीवीज की, तो आपको पता होगा कि अभी जो कुछ दिन पहले ही बेस्ट अफोर्डेबल बजट सेगमेंट की जो टीवीज थी, उनमें Xiaomi के दो टीवी का नाम आता है, जो कि MI TV 4X है और MI TV 4X Pro है। तो दोस्तों, ये दोनों बजट सेगमेंट की काफ़ी अफोर्डेबल टीवी, स्मार्ट टीवी है। इन्हीं सब को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भी एक बजट सेगमेंट का स्मार्ट टीवी होने वाला है। बात करते हैं, अभी तक दोस्तों खास कुछ इस रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जितना पता है, इसकी डिस्प्ले का जो साइज़ है वो 65 inches होगा और साथ ही साथ ये स्मार्ट टीवी होगा, सारे कनेक्टिविटी स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर से लैस होगा। इतनी चीज़ें बस पती है, बाकी इसकी जो भी पिक्सल्स क्वालिटी क्या रहेंगी, कनेक्टिविटी क्या क्या रहेगी, क्या कौन से प्लेटफॉर्म पर ये OS पे चलेगा, ये सारी चीज़ें जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हमको पता चलेगा, या कोई अदर लीक्स द्वारा, तो आपको मैं यहाँ पे अपडेट करा दूंगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट की जो निकल के आ रहा है रियलमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भीम और गूगल पे का अगर आप यूज करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आने वाला है रियलमी पैसा करके। जी हाँ, रियलमी के जो इंडिया हेड है दोस्तों, उन्होंने एक ट्विटर पे अपना ट्वीट करके बताया है कि एक तरीके से, मतलब बताने की कोशिश की, टीज भी किया है और कन्फर्म भी कर दिया है कि रियलमी पैसा ऐप जो है कि वो बहुत जल्द इंडिया में आ सकता है। जी हाँ, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, उससे बताया कि जो आपका उन्होंने जो फर्स्ट पेमेंट किया था 101 रुपये का शुभारंभ करते हुए, उसको उन्होंने ट्वीट किया और उसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है कि देखिए उनका फर्स्ट जो पेमेंट है UPI बेस्ड वो सक्सेसफुल रहा। तो बहुत जल्दी ही फ्यूचर में आपके लिए ये UPI जो बेस्ड सर्विस है वो रियलमी के द्वारा रियलमी पैसा के नाम से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों कब आता है ये मार्केट में, और साथ ही साथ देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसके साथ और ऑफरिंग हमें मिलती है। इन सब के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, हो सकता है 2020 के लास्ट तक हमें ये देखने को मिल जाए।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपडेट की जो निकल के आ रहा है सैमसंग A20 सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का जो एक मॉडल है A20 दोस्तों फाइनली जो एंड्रॉयड 10 का अपडेट्स है वो सैमसंग के A20 मॉडल के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया है। तो अगर आप भी यूज करते हो A20 तो आप भी उसके इंतजार तो कर ही रहे हो एंड्रॉयड 10 के अपडेट का। लेकिन दोस्तों साथ ही मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि इनिशियल जो ये A20 का अपडेट है वो सिर्फ चिली में, वियतनाम में, रशिया में और फिलीपींस में रोल आउट हुआ है। बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं A20 फोन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी बता देते हैं कि मार्च 2019 में ये फोन लॉन्च हुआ था और अब जो है कि अप्रैल 2020 में इसका एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ रहा है। थोड़ा सा डिले है लेकिन ठीक है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आ रहा है ये मैटर करते हैं। तो चलिए दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को। दोस्तों मैं एक नया यूट्यूबर हूँ इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट अस, शो सम सपोर्ट टुवर्ड्स अस। और दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।